दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। भिंड में कथा कर रहे बागेश्वर धाम महंत धीरेंद्र शास्त्री ने शुक्रवार को कहा कि यदि ऐसा कृत्य कोई हिंदू कर देता तो बवाल मच जाता। धीरेंद्र शास्त्री ने शुक्रवार को कहा कि यदि कोई हिंदू ऐसा कर देता तो बवाल मच जाता और देश में दंगे हो जाते, सरकारें बदल जाती। अभी तक इसे अमानवीय कृत्य घोषित कर दिया जाता। इसमें एक गलती हमारी है, हम एकजुट और जागरूक नहीं हैं। हम दूसरों को कमजोर मानकर बैठे हैं, जबकि दूसरे धर्म के लोग खुद को लगातार मजबूत कर रहे हैं। हमारे संत महात्मा, बहन बेटियों और हमारी संस्कृति पर लगातार हमले हो रहे हैं। बता दें, धीरेंद्र शास्त्री ने लव जिहाद को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जातिवाद को बढ़ावा देने के लिए विदेशों से फंडिंग किए जाने का आरोप लगाया। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि विदेश में बैठे आकाओं की शह पर देश में एक षड्यंत्र चलाया जा रहा है। देश में जो हिंदू हैं वे जातिवाद के नाम पर आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं, उनको भी अरब देशों से फंडिंग की जा रही है। जातियां तो पहले भी थीं, लेकिन जातिवाद नहीं था। अंग्रेजों ने देश में फूट डालो और शासन करो की गंदी राजनीति की, वही प्रयास अब अन्य धर्म के लोग द्वारा भारत को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। यही नहीं, देश में जो हिंदू जातिवाद के नाम पर आपस में लड़ने का काम कर रहे हैं, उनको भी अरब देशों से फंडिंग की जा रही है। इसके साथ ही सनातन धर्म के विस्तार पर उन्होंने जोर देते हुए कहा कि सनातन को फैलाने की जरूरत है। इसके लिए उन्होंने कहा कि सरकार चाहे सड़क, बिजली और मकान नहीं दे, लेकिन भारत के लोगों को अच्छी और व्यवस्थित शिक्षा दी जाए। जो शिक्षित लोग होंगे वे इस षड्यंत्र से खुद ही निपट लेंगे। आप लोग स्वयं जागरूक नहीं है, हिंदुओं में स्वयं में एकता नहीं है। ये कृत्य अगर कोई हिंदू कर देता तो अभी तक देश में दंगे की स्थिति हो जाती, अभी तक सरकारें बदल जाती, उलट फेर हो जाता, अभी तक तो अमानवीय कृत्य घोषित हो जाता। तो इसमें हमारी और आपकी कमी है कि हम आप एकजुट नहीं है। इसमें सबसे बड़ी कमी है हम लोग जागरूक नहीं है। इसमें सबसे बड़ी कमी है कि दूसरों को कमजोर, अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं, बल्कि दूसरे धर्म के लोग अपने आप को लगातार मजबूत कर रहे हैं। सनातन संस्कृति, भारत की बेटियों पर, हमारे भारत के संतों पर, हमारी भारत की अस्मिता पर लगातार।